हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा कक्षा 10 पार्ट नंबर 9 प्रकाश, उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आज सीखेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार बने जाते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है, क्या स्वरूप होता है, क्या स्थिति होती है, क्या आकार होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गोलीय दर्पण, जिनकी हम परिभाषाएं पढ़ चुके थे, कार्तिक चिन्ह परिपाटी के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके कुछ नियम है, जैसे हम बात करते हैं पहले अवतल दर्पण की, तो पहला नियम यह है, अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें पहला है अक्ष के समांतर किरण, अक्ष के समांतर किरण अर्थात मुख्य अक्ष, जैसे ये गोलीय दर्पण है अवतल दर्पण, इसका ये मुख्य अक्ष है। अगर यदि इसके समांतर कोई किरण जाती है, प्रकाश किरण जाती है, दर्पण पे टकराती है, तो वो समांतर जा रही है, तो समांतर जाएगी तो वो परावर्तित होने के बाद कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये इसका नियम है कि यदि पह जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण अगर जाती है तो परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ऐसा ही उत्तल दर्पण में होता है, जैसे ये समांतर गई तो ये इधर मुख्य फोकस होता है, तो ऐसे ये परावर्तित होगी, तो आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। एक नियम तो यह है। दूसरा नियम यह है कि इसमें फोकसीय किरण कहलाती है, फोकसीय किरण अर्थात फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, जैसे ये अवतल दर्पण है, इसका ये मुख्य फोकस है, ये इसका अक्ष है, ये मुख्य फोकस हो गया। अब इससे कोई प्रकाश किरण गुजरती है, ऐसे ये कोई प्रकाश किरण गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले तो थी समांतर जाकर के मुख्य फोकस से गुजर रही थी, दूसरे नियम में जो मुख्य फोकस से प्रकाश किरण गुजरती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा ही उत्तल दर्पण में होता है, जैसे मुख्य ये समांतर प्रकाश किरण है, तो ये जैसे ये प्रकाश किरण गई, और सॉरी ये प्रकाश किरण जाएगी ऐसे, ये अभी यहाँ पर मुख्य फोकस है, तो इसको हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे, तो यहाँ से ये परावर्तित होगी, ये समांतर होगी, तो हमको आती हुई प्रतीत होगी यहाँ से, कि यहाँ से परावर्तित हो रही है, मुख्य फोकस से परावर्तित होती है। तो ये तीसरा दूसरा नियम हो गया। एक तो हो गया कौन सा, समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, तो समांतर जाने वाली वो मुख्य फोकस से गुजरती है, एक मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण जो होती है वो समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। तीसरा होता है अभिलंब, तीसरा होता है अभिलंब किरण, ये तीसरा नियम है इसका, इसके अनुसार हम प्रतिबिंब बनाएंगे। इसका मतलब हो गया कि प्रकाश किरण यदि, प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र से गुजरे, ऐसे इस वक्रता केंद्र सी से गुजरे, ना तो मुख्य फोकस से गुजरे ना समांतर जाए, कहां से गुजरे, इस वक्रता केंद्र से, तो वो जैसे आई थी वैसे ही वापस परावर्तित हो जाएगी, ना तो समांतर होगी ना मुख्य फोकस से गुजरेगी, ये वापस जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में वापस चली जाएगी। और चौथा नियम होता है तिर्यक किरण, तिर्यक किरण। अब तिर्यक किरण में क्या होता है कि तिर्यक किरण के अंदर यदि, जैसे ये दर्पण है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य ध्रुव पर आकर गुजरे, ऐसे मुख्य ध्रुव पर आके गुजरे, जैसे ये सी वाला, ये एफ वाला पॉइंट हो गया, तो ये प्रकाश किरण ना तो सी से आ रही है ना एफ से आ रही है, तो कहां जा रही है, ये सीधी ध्रुव के ऊपर ओ पर जा रही है, तो ये वापस इस दिशा में उसी कोण पर वापस लौट जाएगी, तिर्यक कोण पे आ जाएगी, तिर्यक कोण बोलेंगे इस स्थिति को। तो ये कुछ नियम हो गए, इसके चार नियम हो गए। एक नियम हो गया मुख्य फोकसीय किरण, समांतरी किरण, जो समांतर आएगी वो मुख्य फोकस से गुजरेगी, अगर फोकसीय किरण है तो फोकस में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी अभिलंब किरण, जो वक्रता केंद्र से गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात भी वापस वक्रता केंद्र पर ही लौट जाएगी। और तृतीय किरण में क्या होता है कि जो प्रकाश किरण ना तो सी से आए ना एफ से आए, ध्रुव पर आकर गिरे, तो वो उसी कोण पर वापस नीचे वाले तल पे वापस लौट जाती है। तो ये गोलीय दर्पणों के कुछ नियम है। अब हम अवतल दर्पण के कुछ प्रतिबिंब बना करके देखते हैं, जो इसकी छह अलग अलग स्थितियां होती है, यानी हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के लक्षण, कैसे हम लक्षण ज्ञात करें।
तो जैसे अवतल दर्पण होता है, ये हमने अवतल दर्पण बना दिया, इसको मुख्य अक्ष में बांट दिया, यहां पर F और यहां पर C वाला पॉइंट, ये दूरी, यहां से ये दूरी और ये दूरी बराबर इक्वल होनी चाहिए, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब इसकी छह अलग अलग स्थितियां होती है दर्पण की। जैसे एक तो हम वस्तु को रख दे कहां पर, बिंब को, बिंब की स्थिति अलग अलग रखते हैं यहाँ पर, वस्तु हमेशा दर्पण के बाई ओर इस दिशा में हमको रखना है, तो बिंब हमेशा इधर रखनी है। तो पहली स्थिति बिंब की अनंत पर, पहली तो अनंत पर, जब बिंब अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन आती है बिंब सी से परे हो, सी से परे हो अर्थात सी से दूर। तीसरी कंडीशन आती है बिंब सी पर हो। चौथी कंडीशन आती है बिंब सी व एफ के मध्य हो। पांचवी कंडीशन आती है बिंब एफ पर हो। और छठी कंडीशन आती है बिंब एफ व ओ के मध्य हो, अर्थात इन दोनों के बीच में, ये जो ओ है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में। तो इन कंडीशन के हम अभिलक्षण देखते हैं। जैसे ये पहली स्थिति आ गई। अब जब बिंब अनंत पे होती है तो हमको वस्तु दर्शानी नहीं है, क्या करना है, जैसे अनंत पे है तो वस्तु को हमको दो समांतर प्रकाश किरणें सीधी लानी है, मुख्य अक्ष के समांतर लानी है, और उन दोनों को मुख्य अक्ष से, क्योंकि समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से वो गुजर जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें जहां पर क्रॉस हो रही है वहां पर उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया, यहां पर बन गया, कहां पर बना प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर, सॉरी मुख्य फोकस पर, एफ पर, यानी कि एफ पर बन गया। ये तो क्या स्थिति, एक तो कंडीशन आती है कौन सी, स्थिति की, कि कहां पर वो बन रहा है प्रतिबिंब, स्थिति, एक उसकी आकृति यानी आकार कितना बड़ा है, एक उसकी प्रकृति यानी वो कैसा बना, वास्तविक बना या आभासी बना। तो स्थिति कहां पर बना, एफ पर, एफ पर बन गया। दूसरा आकृति कैसी है, आकृति अगर इसके ऊपर क्रॉस हो रही है, मुख्य अक्ष के ऊपर क्रॉस हो रही है, तो वो आकृति कैसी होगी, बिंदु साइज की, बिल्कुल छोटा, अत्यंत छोटा। तो इसको हम लिख देंगे बिंदु साइज, क्योंकि हम जो ऊंचाई मापते हैं वो कहां से मापते हैं, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊंचाइयां मापते हैं। प्रकृति कैसी हुई इसकी, सीधा सीधा बढ़ रहा है, तो वास्तविक उल्टा बन गया, कहीं पर हमने डैश डैश नहीं किया। अगर इसमें डैश डैश की स्थिति आती, क्योंकि इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं, वास्तविक स्थिति है, अप्रकाश किरणें आ रही है समांतर और मुख्य फोकस से गुजर रही है क्रॉस करके, तो यह बन गया वास्तविक। और वास्तविक बन गया तो कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक उल्टा, अगर आभासी आ जाता तो सीधा हो जाता। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या करना है, वही करना है आपको, वही एफ और सी और दर्पण का चिन्ह लगाना है। अब दूसरी स्थिति क्या है, बिंब को कहाँ रखना है, सी से परे, यानी सी से थोड़ा दूर यहाँ रखना है, यहाँ रख दिया हमने सी को, वस्तु को, ये वस्तु का चिन्ह हो गया, इसको हम ए बी से नामांकित कर देंगे। यहां से एक प्रकाश किरण तो लानी है सीधी इस दर्पण के ऊपर, समांतर लानी है, जो तो कहां से गुजर जाएगी, एफ से, क्योंकि समांतर आ रही है वो एफ से गुजरेगी, और एक प्रकाश किरण इस एफ से मुख्य फोकस से गुजारनी है, यहां से ऐसे ये गुजारनी है। तो यहां परावर्तन होने के पश्चात ये सीधी जाएगी, क्योंकि एक तो समांतर ला रहे, अभी नियम पढ़ा था हमने, एक तो मुख्य फोकस से जो समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, वो एफ से गुजर जाएगी, एक प्रकाश किरण जो एफ से गुजर रही है आपकी दूरी और परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, तो ये समांतर होगी। क्रॉस कहां कर रही है, यहां पर दोनों प्रकाश किरण, वैसे यहां भी क्रॉस कर रही है, लेकिन ये एक तो परावर्तन होने के बाद हो रही है, ये परावर्तन नहीं होने के पहले हो रही है, तो परावर्तन होने के बाद क्या होनी चाहिए, क्रॉस होनी चाहिए। तो ये दोनों परावर्तन होने के बाद कहां क्रॉस हो रही है, यहां पर, तो यहां पर हम इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा कर देंगे। तो ये तो हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, क्योंकि दोनों को ये भी नहीं लिख सकते, ये इसका प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। तो अब इसकी स्थिति क्या लिखे, स्थिति यानी कहां पर बना ये प्रतिबिंब, कहां पर बना, कहां पर बना, सी व एफ के मध्य बन गया ना, ये क्रॉस कहां कर रही है, सी और एफ के मध्य। आकृति कैसी है, आकृति मापो, देखो वस्तु से इसकी तुलना करनी है, वस्तु इतनी बड़ी है, ये इतना सा है, तो अंदाजा आप देख सकते हो वस्तु से छोटा है या बड़ा है, क्या है, छोटा। तो आकृति कैसी होगी, वस्तु से छोटा, और हमने कहीं डैश डैश का यूज नहीं किया, तो ये भी वही क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब तीसरी कंडीशन में भी यही करना है, वस्तु को कहां लाना है, सी पर लाना है, इस वस्तु को उठा के कहां लाना है, सी पर लाना है, एक प्रकाश किरण सीधी लानी है, एफ से गुजारनी है, एक प्रकाश किरण इसी एफ से गुजार के ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो कहां पे क्रॉस हो जाएगी, बिल्कुल सी के ऊपर क्रॉस करेगी, बिल्कुल सी की सिद्ध में क्रॉस करेंगे, तो स्थिति कहां आ जाएगी उसकी, सी पर, सी पर ही अपनी वस्तु रखी, प्रतिबिंब भी किस पर बनेगा, इसमें सी पर बनेगा, और
सी पर बन गया प्रकृति। देखो साइज लगभग दोनों की क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, तो समान साइज का बन जाएगा प्रतिबिंब और वही वास्तविक और उल्टा। तीसरी कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन भी क्या करना है, उसी तरह करना है, सी और एफ के मध्य वस्तु रखनी है, केवल सी है एफ ये, तो इसके मध्य वस्तु रखनी है, वही एक प्रकाश किरण सीधी और एफ से गुजारनी है और एक प्रकाश किरण इस एफ से गुजार के उसको समांतर करना है। प्रतिबिंब का बनेगा सी से परे, प्रतिबिंब का बनेगा मतलब प्रतिबिंब इधर की सच जाएगा, इधर आकर के क्रॉस होगी दोनों प्रकाश किरण, तो सी से परे बन जाएगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि देखो वस्तु तो इतनी सी है, ये यहाँ क्रॉस होगा लगभग, तो वस्तु से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और वही वास्तविक और उल्टा। पांचवी कंडीशन में भी क्या करना है, पांचवी कंडीशन में देखो, पांचवी कंडीशन में एफ सी, अब वस्तु का रखनी है पांचवी कंडीशन में, एफ के ऊपर रखनी है, तो ये थोड़ा वस्तु को आकार है ना वो छोटा कर लेना है। अब इसमें एफ के ऊपर रख दिया, एक प्रकाश किरण सीधी गई और एक ये गई, अब क्या करना है, एक तिर्यक रेखा डालनी है यहाँ पे, तिर्यक रेखा डालनी है यहाँ पर, अब वो उसी कोण पे वापस लौटेगी, समझ गए, तो ये कहीं क्रॉस नहीं होगी, समांतर चलती जाएगी, समांतर चलती जाएगी, इनको पीछे भी बढ़ाएंगे तो भी वो समांतर चलेगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, क्योंकि कहीं क्रॉस नहीं हो रही ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हुई, स्थिति का मतलब कहाँ बन रहा है, तो अनंत पे बन रहा है, और वस्तु का आकार कैसा होगा, आकृति कैसी होगी, अत्यंत बड़ा, क्योंकि वो आगे जाके मिलने के चांस हो नहीं हो तो वो कैसा होगा, अत्यंत बड़ा। दूसरा, प्रकृति कैसी है, वही वास्तविक और उल्टी। तो ये पांच कंडीशन हो गई, और छठी कंडीशन में थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो थोड़ी बदल जाती है, जैसे ये हो गया F, ये हो गया C, वस्तु का रखनी है हमको F और O के मध्य, ये वाला O वाला है तो इन दोनों के मध्य, वस्तु थोड़ी छोटी लेनी है, ये लो, ये दोनों के बीच में हमने वस्तु रख दी, अब यहां से एक प्रकाश किरण तो समानता लेके इस F से गुजार देंगे, किससे गुजार देंगे, इस F से गुजार देंगे, एक प्रकाश किरण इस तिर्यक डालेंगे और ये ऐसे चली जाएगी, अब यहां से देखो यहां दूरी दोनों के बीच में दूरी कम है और यहां क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पीछे की तरफ मिल सकती है, यहां इसको डॉट डॉट करके इधर की तरफ मिलाएंगे तो ये इधर मिल जाएगी, मिल गई, तो ये दोनों प्रकाश किरणें यहां क्रॉस कर रही है, तो ये स्थिति कहां बनी, दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब तो इधर बन रहे थे सारे, ये प्रतिबिंब इधर बन गया तो दर्पण के पीछे बन गया, स्थिति तो होगी दर्पण के पीछे, और आकार देखो वस्तु इतनी ली, प्रतिबिंब इतना बन गया तो वस्तु से बड़ा, और कैसा बना, आभासी और सीधा, क्योंकि हमने डैश डैश करके मिलाया, वास्तविक की स्थिति तो इधर ही रह गई, इसके इधर इधर ही रह गई, इधर मिलाया है तो वो आभासी रह गई स्थिति, तो ये हो गया आभासी और सीधा। ये छह कंडीशन हो गई अवतल दर्पण की, क्लियर हो गया ये छह दर्पणों से, अब इसमें ये तो छह कंडीशन क्लियर हो गई अवतल दर्पण के बने प्रतिबिंब के विलक्षण, बस इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है बोर्ड पर, नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, डेढ़ नंबर के बन जाते हैं, एक एक नंबर का बन जाता है या दो नंबर का बन जाता है। अब इसमें अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग कहां यूज हम कर सकते हैं, अवतल दर्पण का कहां यूज होता है, क्योंकि अवतल दर्पण एक अभिग्राही दर्पण होता है, अभिसारी दर्पण होता है, आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है, तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग होता है छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने में। तो एक तो सेविंग दर्पण, जिससे हम दाढ़ी करते हैं, सेविंग दर्पण, तो वो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। एक होता है मोटर गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है सामने वाली, मोटर गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है सामने वाली, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, डेंटिस्ट, डेंटल जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं, अवतल दर्पण यूज करते हैं ताकि दांतों को आसानी से छोटे का जो होता है, छोटे का बड़ा देखना, वो आसानी से देख सके। तो इसके मुख्यतः तीन उपयोग हो गए, कौन कौन से, एक तो सेविंग दर्पण में, सेविंग दर्पण जानते हो, दाढ़ी में काम में लेते हैं, दाढ़ी देखने में, छोटे का बड़ा देखने के लिए। दूसरा होता है हेडलाइट में, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है सामने वाली लाइट है उसके अंदर इसका उपयोग होता है। तीसरा डेंटिस्ट जो होते हैं, दंत चिकित्सक, वो भी इसी दर्पण का यूज करते हैं, अंदर दांतों का छोटे प्रतिबिंब को बड़ा, छोटे को बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये तीन उपयोग हो गए अवतल दर्पण के। अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। अब इसमें उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे, ये वाला उत्तल दर्पण ये बनाएंगे, तो इसमें दो ही प्रतिबिंब बनेंगे, दो ही स्थिति आएगी। ये मुख्य अक्ष खींच दिया, पहली तो एक तो आती है जब बिंब कहां हो, बिंब कहां हो, अनंत पर, कहां पर हो, बिंब हो अनंत पर। दूसरा है बिंब किसी निश्चित स्थान पर हो,
या निश्चित स्थान ना मानो तो अनंत व ओ के मध्य, ये दो कंडीशन आती है केवल इसमें। तो अब इसमें क्या होता है, सी और एफ जो होता है इधर होता है, एक तो एफ इधर आ गया, एक सी इधर आ गया। अब इसमें हम प्रकाश किरणें लाते हैं समांतर, दो प्रकाश किरणें समांतर लाते हैं क्योंकि अनंत पर है वस्तु, तो दो प्रकाश किरणें समांतर लाते हैं, तो ये एक तो इधर परावर्तित हो जाती है, एक इधर परावर्तित हो जाती है, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये तो आपतित हो रही है समांतर, ये क्या कर देता है प्रकाश किरणों को अपसारित करता है ना, तो ये फैला रहा है प्रकाश किरणों को। अब ये इधर तो आगे तो मिलेगी नहीं, तो इनको हम क्या करें पीछे की तरफ मिला देते हैं ऐसे, तो ये कहां क्रॉस करेगा एफ के ऊपर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनी एफ पर, मुख्य फोकस पर बन गया प्रतिबिंब। वस्तु तो हमने अनंत पे रखी इधर, वस्तु को तो हमेशा दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु को तो हमेशा इधर रखनी है बाईं दिशा में, बाकी प्रतिबिंब किधर भी बन सकता है, तो ये बन गया प्रतिबिंब एफ के ऊपर। दूसरा ये तो स्थिति आ गई, सॉरी हाँ स्थिति आ गई, आकृति कैसी हुई, आकृति कैसी हुई इसकी, आकृति देखो इसी मुख्य अक्ष पर बन रहा है, नहीं मुख्य अक्ष पे बन रहा है, तो वही बिंदु साइज का या अत्यंत छोटा। तीसरा इसकी प्रकृति कैसे, हमने डॉट डॉट करके मिलाया पीछे की तरफ, क्योंकि वास्तविक स्थिति तो इधर ही रह गई, तो हमने पीछे की तरफ मिलाया डॉट डॉट करके, तो ये रह गया आभासी और सीधा। आभासी बनता है तो हमेशा सीधा बनता है, और वास्तविक बनता है तो हमेशा उल्टा बनता है। एक और है इसकी कंडीशन, जब वस्तु किसी निश्चित दूरी पर रखी हुई हो, ये ओ वाला पॉइंट हो गया, ओ और अनंत के बीच में, तो यहां हम कोई वस्तु रख दें, इधर एफ है इधर सी है, तो एक प्रकाश किरण सीधी लाएंगे, एक प्रकाश किरण तो हम सीधी लाते हैं, और दूसरी प्रकाश किरण ऐसे यहां से तिरछी डालते हैं ऐसे यहां पे, तो वो समांतर हो जाती है, वो समांतर हो जाती है, और ये इधर चल जाती है, क्योंकि ये फैला देता है प्रकाश किरणों को, ये फैला देता है प्रकाश किरणों को। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है आगे जाने पर, है ना, तो इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे, इसको एफ से गुजारेंगे, इसको ये सीधी की सीधी ऐसे कैसे चली जाएगी, तो ये यहां क्रॉस कर रही है, कहां क्रॉस कर रही है एफ से पहले, तो प्रतिबिंब का बनेगा एफ व ओ के मध्य, एफ और ओ के मध्य, ये ओ वाला पॉइंट है, तो यहां क्रॉस कर गई, तो एफ और ओ के मध्य क्रॉस कर गया, और साहब वस्तु इतनी बड़ी थी तो ये भी छोटा बन गया, वस्तु से छोटा बन गया, और वही आवासी और सीधा, ये दो ही कंडीशन है इसकी उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की छह कंडीशन है जो मैंने क्लियर कर दी है, बाकी उत्तल दर्पण की ये दो कंडीशन है जो भी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद में दो प्रतिबिंब बन गए, क्लियर हो गए। इसके बाद में उत्तल दर्पण के उपयोग, जैसे उत्तल दर्पण के उपयोग थे वैसे ही उत्तल दर्पण के भी उपयोग है। उत्तल दर्पण के उपयोग में कौन कौन सा आता है, उत्तल दर्पण जैसे एक तो हम ये क्या करता है वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, दोनों में दो जो दो भी प्रतिबिंब बने थे उसमें आभासी और सीधा बना, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है ये, तो एक तो क्या करता है वाहनों में, एक उपयोग तो ये वाहनों में पश्य दृश्य देखने के लिए, जो वाहन होते हैं गाड़ियां होती है उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए साइडों में दो दर्पण लगे रहते हैं साधनों में, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, दोनों में लगे रहते हैं, तो जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगे रहते हैं साइडों में वो कौन से दर्पण के होते हैं, उत्तल दर्पण के होते हैं, एक उपयोग तो ये हो जाता है। दूसरा एटीएम मशीनें जो होती है, एटीएम मशीनें एटीएम जहां पर होते हैं वहां पर भी एटीएम में जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से उनको देखने के लिए भी क्या करते हैं इसी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये उत्तल दर्पण के दो उपयोग हो गए, उसके तीन थे इसके दो उपयोग हो गए। अब इसमें अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो सीधे सीधा है, अवतल दर्पण क्या करता है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को एक केंद्र पर अभिसारित कर देता है, अवतल दर्पण फैला देता है, उत्तल दर्पण फैला देता है, अवतल दर्पण क्या कर देता है केंद्रित कर देता है। इनका उपयोग दो तीन हो गए, तो ये दो तीन भी हम कर सकते हैं। अब देखो अब आता है दर्पण का सूत्र, अगर परीक्षा में कोई आंकिक प्रश्न पूछ लिया जाए, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए जो सूत्र हमको चाहिए होता है वो दर्पण सूत्र काम में लिया जाता है। सबसे पहले तो हम ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव जैसे बीच वाला पॉइंट जो होता है ओ, उसको हम क्या कहते हैं ध्रुव, तो ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी इधर नापते हैं इधर, तो उसको किससे व्यक्त करते हैं यू से, और प्रतिबिंब किधर भी बन सकता है तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे मापते हैं, प्रतिबिंब की दूरी उसको मापते हैं वी से, और जो फोकस दूरी होती है फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं एफ स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। इन तीनों के मध्य
एक संबंध होता है जिसके जिसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र, अर्थात इन दोनों दूरियों का जो योग होता है, अनुपात का जो योग होता है वो फोकस दूरी के अनुपात है। इस अर्थात हम कह सकते हैं 1/f = 1/b + 1/u, ये दर्पण सूत्र है। इसके द्वारा हम आंकिक प्रश्न कर सकते हैं, v का मान जोड़ देंगे, u का मान जोड़ देंगे तो f का मान हमारे पास आ जाएगा। ये हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमें पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है। जैसे मैं एक प्रश्न हल करके बताऊं, जैसे एक सेविंग दर्पण है, सेविंग दर्पण है उसमें दे रखा है व्यक्ति का जो चेहरा है, सेविंग दर्पण से चेहरा, चेहरा सेविंग दर्पण से दूर कितना दूर है, 20 सेमी है। तो चेहरा क्या हो गया, एक वस्तु हो गई, और दर्पण क्या हो गया, दर्पण तो दर्पण है, तो ये बिंब की दूरी हो गई। तो बिंब की दूरी है 20 सेमी। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। कार्तीय परिपाटी में हमने पढ़ा था कि वस्तु को हम हमेशा इधर रखते हैं, हमेशा बाई दिशा में रखते हैं। तो बाई दिशा में जब हम चलते हैं, एक्स डैश की तरफ चलते हैं, तो दूरी किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर बिंब की दूरी किस में आएगी, माइनस में आएगी। पर्सन में माइनस प्लस नहीं दिया हुआ होगा, वो हमको हमारी स्थिति के या प्रतिबिंब की स्थिति के अनुसार लेना होगा। अब इसमें दे रहा है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ। यहाँ पर बिंब की दूरी को यू से व्यक्त कर रहे हैं, ये स्मॉल एफ का मान दे रखा है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर दे रखा है। अब फोकस दूरी, सेविंग दर्पण, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सेविंग दर्पण कौन सा होता है, उत्तल होता है क्या अवतल होता है, अवतल होता है। सेविंग दर्पण कौन सा होता है, अवतल। तो अवतल में प्रतिबिंब किधर बने, फोकस दूरी यानी मुख्य फोकस का किधर होता है, अवतल में, इधर था एफ, एफ वाला अवतल की जो हमने 6 कंडीशन पढ़ी थी उसमें एफ और सी किधर थे, इधर थे ना बाएं दिशा में। तो इधर की दूरी को हम किस में लेते हैं, माइनस में। तो यह भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि मुख्य फोकस इधर था। तो मुख्य फोकस और ओ के बीच की दूरी को हम क्या बोल रहे थे, फोकस दूरी। तो इधर की ये जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में इधर की जो दूरियां आती है वो माइनस में, और इधर की दूरियां आती है वो प्लस में। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सारे करीब करीब इधर बने, क्योंकि मुख्य फोकस इधर ही था, तो फोकस दूरी हमेशा माइनस में रहेगी अवतल दर्पण में। अब इसमें पूछा है कि बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी v का मान ज्ञात करना है, और आवर्धनता ज्ञात करनी है, आवर्धनता m का मान यानी उसकी आकृति, m का मान क्या है, आवर्धनता का सूत्र होता है वो बताना भूल गए, आवर्धनता का सूत्र होता है v/u, और इसमें आता है माइनस v/u यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी, और माइनस का चिन्ह आता है इसके अंदर। यह एक आवर्धनता का सूत्र और होता है अगर ऊंचाई दे रखी हो तो, h - h, इसमें माइनस नहीं आता। h- का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, और h का मतलब है बिंब की ऊंचाई, बिंब कितनी ऊंची है। उनका मान अगर दिया हुआ हो तो इससे करेंगे, अगर वो नहीं दिया हुआ हो तो इससे करेंगे। दोनों सूत्र आवर्धनता के हैं, तो हमको प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धनता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें तो हम यहां लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है 1/-80 दे रखा है ना f का मान। इसके बाद में v का मान दे नहीं रखा है, पूछा है, और u का मान दे रखा है वो प्लस का प्लस आ गया, 1/-20 ये दे रखा है। अब इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं, इस वाली संख्या को हम पक्षांतरण कर देते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस है ना। तो अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1/v = 1/20 ये प्लस में हो गया, ये माइनस में था तो 1/80 ये माइनस में था। अब इनका हम लघुत्तम लेते हैं तो 80 4-1 = 3/80 यानी ये 1/v का मान आया है 3/80। अब केवल v का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 80/3, उधर उधर हो जाएगी संख्या। अब इसमें मान आ गया 26.66 सेंटीमीटर यानी इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई। कहने का मतलब v = 26.66 आया है, इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब आवर्धनता का मान ज्ञात करें, m = यानी उसके कि वस्तु से कितना ऊंचा होगा वो ज्ञात करना है। तो m = सूत्र है माइनस का v बटा u है। तो अब माइनस v का मान कितना आया, 26.66, या हमको यही रख ले 80/3 रख लेते हैं,
बटा यू, यू का मान कितना है, यू का मान है माइनस का 20। अब ये तीन नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 80 बटा 3 गुणा 20, 20 एक 20 20 होगा 80, 4 बटे 3 आ गया, अर्थात 1.33, ये एम का मान आ गया 1.33। यदि वस्तु का मान, वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर माने तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ गई, 1.33। ये तब आया है जब वस्तु की ऊंचाई हम a मानते हैं तब, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई 1.33 से भी आ गई, अर्थात वस्तु से बड़ा बन गया प्रतिबिंब क्योंकि मान ज्यादा आ गया, और प्लस में आ रहा है, आवर्धन का मान किस में आ रहा है, प्लस में है। अगर आवर्धनता का मान प्लस में आता है तो क्या होता है, यदि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है। यदि देखो इसमें दे रखा है, अपने बुक में दे रखा है, आवर्धनता का मान प्लस है तो बिंब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। अगर m का मान प्लस में आता है, इसमें आया, अगर m का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा, और अगर m का मान ऋणात्मक आता है अर्थात माइनस में आता है तो वो बनता है वास्तविक उल्टा। तो अब देखो हमको पूछा था प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी आ गई, प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इस प्रकार हमको ये आंकी प्रश्न हल करना है दर्पण सूत्र से और आवर्धनता के सूत्र से। ये आवर्धनता हो गई, आवर्धनता का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है, या छोटा बन रहा है, या बराबर बन रहा है। ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र और आवर्धनता का सूत्र। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन और बन जाता है, हम एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में, यानी दाएं बाएं, पार्श्व का मतलब होता है दाएं बाएं लगे दर्पण में, एक कार 4 मीटर की दूरी पर है, एक मोटरसाइकिल में, तो कार की दूरी है अर्थात बिंब हो गया, कार को हम मान लेते हैं बिंब, तो बिंब की दूरी u वो कितनी दे रखी है इसमें, 4 मीटर। बिंब की दूरी को 4 मीटर दे रखा है, फोकस दूरी है वो 1 मीटर है। तो दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्थिति यानी v का मान ज्ञात करना है और प्रकृति यानी वो आवर्धन ज्ञात करना है, ये दोनों ज्ञात करना है। तो अब इसमें है जो पार्श्व में लगा दर्पण है, दाएं बाएं जो दृश्य दिखाता है पीछे का, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, और उत्तल दर्पण में जो F और C होता है वो इधर होता है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र इधर होता है। तो इसमें देखो प्रतिबिंब की दूरी तो हमेशा किसमें आएगी, माइनस में, बिंब की दूरी हमेशा माइनस में लेनी है क्योंकि बिंब हमेशा बाई दिशा में रखा जाता है, फोकस दूरी इधर है तो फोकस दूरी किसमें आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, प्लस में रहेगी क्योंकि हम इधर की दूरी को किसमें लेते हैं, प्लस में। अब हम वही सूत्र लगाएंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f का मान दे रखा है 1/1 = 1/v, 1/v का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/u का मान दे रखा है 4 मीटर, जो माइनस में लेना है हमको, ये माइनस में लेना है 4 मीटर, ये लो। अब इसका हमको पक्षांतरण करना है, ये प्लस में हो जाएगी संख्या, प्लस माइनस माइनस में, पक्षांतरण करेंगे तो किसमें हो जाएगी, प्लस में, तो 1/1 + 1/4, तो इनका लघुत्तम लेंगे 4, 4 + 1, 5/4, कितना हो गया 5/4। अब ये 1/v का मान आया है तो v का मान कितना हो जाएगा, 4/5 भाग लगा दिया तो 0.8 मीटर, इतनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। ये तो प्रतिबिंब की दूरी आ गई। अब इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, आवर्धन ज्ञात कर लेंगे, m बराबर -v/u, तो उससे हमारे को पता चल जाएगा कि उसकी प्रकृति आभासी है या वास्तविक है, उल्टा है या सीधा है, और कितना बड़ा बन रहा है वस्तु से, छोटा बन रहा है। तो इसमें देखो v का मान कितना आया, 0.8 मीटर, बटा u का मान कितना है 4, ये माइनस में नहीं आया ना, प्लस में आया, माइनस इसके लग रहा है सूत्र में, माइनस लग रहा है तो माइनस, और माइनस 4 मीटर तो ये -4 मीटर, m बराबर माइनस से माइनस कट गया, 0.8 में हम 4 का भाग लगा देते हैं
तो ये हो गया 8/40 1.5 0.2 मीटर, क्योंकि हमने 10 में लगा टाइम के नीचे 0 लगा दिया, 0 लगाने पर 40 बन गया, तो 8 का भाग लगा दिया, 8 × 8 = 40 1/5 0.5। तो अगर वस्तु 1 मीटर है, यदि वस्तु की ऊंचाई 1 मीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हुई 0.2 मीटर, कम हो गया ना 0.2 मीटर, अर्थात वस्तु से क्या बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बना छोटा बना, और आवर्धन का मान किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है धनात्मक आ रहा है, धनात्मक का मतलब हो गया आभासी और सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब बन गया आभासी और सीधा बन गया, और कितनी दूरी पर बना 0.8 मीटर की दूरी पर बना। ये इसकी स्थिति भी आ गई, प्रकृति भी आ गई और इसका आकार भी आ गया। इस प्रकार हमारे उत्तल दर्पण का जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है, उत्तल दर्पण क्लियर हो चुका है। हम स्टार्ट करते हैं अब नया पॉइंट, ये क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई आपको आपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, जब ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो, कमी हो, तो उसका भी कमेंट बॉक्स में बताएं, जरूर उसका समाधान किया जाएगा संभवतः। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपवर्तन। इतनी देर हमारे दो पार्ट बन गए, वो परावर्तन के थे, परावर्तन के पार्ट कंप्लीट, अब अपवर्तन। अपवर्तन की परिभाषा, सबसे पहले अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की परिभाषा क्या है। परावर्तन में तो क्या है कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो दर्पण से टकरा करके, अवरोध से टकरा करके वापस लौट जाती है। अपवर्तन में टकरा करके लौटती नहीं है, वो उसमें से गुजर जाती है। जैसे इसमें कोई प्रकाश किरण होती है वो किसी अवरोध में से एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जब जाती है, चाहे वो माध्यम कैसा हो, विरल हो या सघन हो, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसका मार्ग बदल जाता है, मार्ग से भटक जाती है। जैसे ये इधर जा रही है तो ऐसे जानी चाहिए ये सीधी की सीधी, लेकिन वो या तो ऐसे आ जाती है या ऐसे आ जाती है, वो डिपेंड करता है माध्यम पर कि माध्यम कैसा है, सघन है या विरल है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जैसे इसका एक हम सीधा सा उदाहरण देखें कि यह है एक माध्यम जिसमें जल भरा हुआ है, कोई माध्यम है जिसमें जल भरा हुआ है, यहां से प्रकाश किरण आ रही है तो वो वायु में आ रही है, यह वायु हो गया। वायु होता है वो विरल, विरल यानी कि कण बहुत दूर दूर हो, जल के कण पास पास में होते हैं, तो वायु का जो माध्यम होता है वो विरल होता है और जल का जो माध्यम होता है वो वायु के अपेक्षा क्या होता है, सघन होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से यानी वायु के माध्यम से दूसरे माध्यम यानी जल में प्रवेश करती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आपको दौड़ लगाने के लिए बोले खुले वातावरण में तो हम तेज दौड़ सकते हैं, और अगर पानी से भरे हुए किसी तालाब के अंदर या पोखर के अंदर दौड़ लगाने के लिए बोला जाए तो हमारी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रकाश के साथ भी यही होता है, जब प्रकाश किरण वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग कम हो जाता है, चाल कम हो जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, सीधी ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरी कंडीशन में जब वापस प्रकाश किरण सघन माध्यम से वापस ये वायु का माध्यम आ गया इधर जो कि विरल है, तो जब प्रकाश किरण वापस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, चाल बढ़ जाती है, जिससे वो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश किरण ऐसे सीधी आनी चाहिए लेकिन ऐसे चली जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यह घटना है। इसके अनुसार हम प्रकाश पर आधारित कुछ घटनाएं होती है, जैसे पानी में रखी या थोड़ी डूबी हुई जो पेंसिल होती है वो टेढ़ी दिखाई देना, गिलास में रखी जो इष्टा होती है उसका गिलास के जो संपर्क सूत्र होता है उसका मुड़ी हुई दिखाई देना, सिक्के का अपनी वास्तविक सतह से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये कुछ घटनाएं होती है, ये अपवर्तन के कारण होती है। क्योंकि प्रकाश किरणें क्या होती है, वायु से पानी में प्रवेश करती है तो उसका क्या हो जाता है, मार्ग बदल जाता है, मार्ग विचलित हो जाता है, मार्ग चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमको ये घटनाएं नजर आती है, वास्तविक स्थिति से कुछ बदली हुई नजर आती है। तो ये कुछ घटनाएं होती है, ये अपवर्तन पर आधारित है। अब ये आज का वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आयताकार स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की घटना को पढ़ेंगे। तो इसके बाद में हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि
इसी जो आज का वीडियो, इसमें कोई कमी रह गई हो, कोई आपको प्रॉब्लम नजर आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।